नमस्कार, KNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद नगरीय चुनाव हुआ प्रारंभ। जी हां, हम आपको बता दें कि दिनांक 8/7/2022 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हो तो वहीं दिनांक 13/7/2022 को नगरीय निकाय चुनाव प्रारंभ हुए। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे में कोई नगर पालिका और नगर परिषदों में चुनाव होना है, जैसे बुडार, धनपुरी, ब्योहारी, इन जगहों पर नगरीय निकाय चुनाव शुरू हो चुका है। जो वहीं बकाहो नगर में कुल 15 वार्ड हैं, जिसमें से 25 पोलिंग बूथ बनाए गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती दिखाते हुए अपने दलबल को व्यवस्थित रूप से तैनात किया। वहीं आला अधिकारी भी पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं और लोग बड़े ही खुशी के साथ अपना मतदान कर रहे हैं। सर, अपने नगर परिषद बकाहो अंतर्गत कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और मतदान जो है 7 बजे चालू हो गया है, और अपने पुलिस के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई सर? ये नगर परिषद बकाहो में 25 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें 4 क्रिटिकल हैं और 21 पोलिंग बूथ सामान्य हैं। 7 बजे से वोटिंग हो रही है। वोटिंग का प्रतिशत बहुत अच्छा है और 2 सेक्टर मोबाइल, 3 हमारे जो TI अतिरिक्त हैं उनकी मोबाइल, और स्वतः मैं भी पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग लगातार करवा रहा हूँ। पूरे क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है। सर, किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक विवाद वगैरह तो नहीं हो रहा है इधर? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। पुलिस लगातार चौकसी बरत रही है और पूरी संवेदनशीलता से सभी बूथों का भ्रमण हो रहा है।